सिंगल लीफ से भी इसे आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। कुछ महंगे पौधे होते हैं तो कुछ सस्ते, कुछ मेडिसिनल प्लांट होते हैं, बहुत अच्छे से बेबी प्लांट्स बन जाते हैं। एक पत्ती से आप ढेरों सारे पौधे तैयार कर सकते हैं फ्री में, बहुत अच्छे इसमें बेबी प्लांट्स आ जाते हैं और इनमें आप फ्री में ही ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कहीं मिल जाए सिंगल पत्ता भी, एक लीव्स भी ला करके आप ढेरों सारे पौधे फ्री में बना सकते हैं, महंगे प्लांट को अपने घर में ऐड कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अगर कहीं भी दिखे आपको एक भी पत्ता, तो आप ये सारे पौधे की पत्ते ला करके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ढेरों सारे प्लांट आप फ्री में बना सकते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें सिर्फ सिंगल लीव से ही प्रोपोगेट किया जा सकता है, बहुत आसानी से ये प्रोपोगेट हो जाते हैं। महंगे प्लांट होते हैं तो कुछ सस्ते होते हैं, तो कुछ मेडिसिनल प्लांट होते हैं। तो ये सारे पौधों की पत्ती अगर आपको कहीं मिल जाए तो आप फटाफट बिना देरी किए हुए उस पत्ते को ला कर के आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कहीं से मांग कर या सिंगल पत्ता चोरी करके भी आप ला कर के कहीं से अपने गार्डन में लगा लेंगे, तो आपको फ्री में ही प्लांट ढेरों सारे मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कौन कौन से प्लांट हैं आप सबसे शेयर करते हैं हम। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर दोस्तों ये है जीजी प्लांट। ये सिंगल लीव से बहुत ही आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है दोस्तों। इसमें बेबी प्लांट भी अब बनने शुरू हो गए हैं। थोड़ा इनमें टाइम लगता है बेबी प्लांट आने में, 3 से 4 महीने लग जाते हैं, तो आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें जल्दी बेबी प्लांट्स नहीं बनते हैं। और एक पत्ता और था दोस्तों, ये थोड़ा येलो हो रहा था तो मैंने सोचा शायद ये ख़राब हो रहा है, तो इसको जब मैंने सोचा उखाड़ने के लिए तो ये टूट गया। तो लेकिन इसमें बल्ब बन चुके थे, तो बाद में मुझे पता चला कि इसमें बल्ब बन चुके थे, लेकिन पहले मैंने सोचा ये ख़राब हो रहा है पत्ता, इस वजह से मैंने इसको निकाला यहाँ से। अगर बल्ब हैं दोस्तों तो बाद में शायद इसमें से न्यू प्लांट रेडी हो जाएगा। तो अगर आपको ये पौधा कहीं भी दिखे दोस्तों, आपके पास नहीं है, तो फटाफट बिना देरी किए हुए इसकी लीव्स ला करके आप प्रोपेगेट कर सकते हैं। आपको ये महंगे मिलने वाले नर्सरी में है दोस्तों प्लांट। ये पौधा नर्सरी में बहुत महंगा मिलता है, 150, 200, 250, हर जैसे प्लांट होती है उसी के हिसाब से इसकी प्राइस होती है। तो बिना देरी किए हुए इसे आप लीफ से प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये मैं लीफ्स मांग करके लाई थी दोस्तों, तो इसी से मैंने इसको प्रोपोगेट किया। ये तो मैं नर्सरी वाले भैया से ऐसे ही इसके प्लांट मांग ली थी, मतलब बल्ब था तो वो लोग निकाल करके ऐसे ही रखे थे, तो इसे मैं ला करके लगा ली दोस्तों। और इसमें ज़्यादा पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये अगर इसकी पत्तियाँ आप ग्रो कर रहे हैं तो इसकी पत्तियों को लगा करके आप पानी ज़्यादा ना डालें, जब इसकी मिट्टी सूखी लगे तभी इसमें पानी डालना, नहीं तो इसकी पत्तियाँ ख़राब हो जाती हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों ये है पत्थर चट्टा। ये एक मेडिसिनल प्लांट होता है और काफ़ी खूबसूरत ग्रीनरी ऐड करने वाला ये प्लांट होता है। अगर एक लीफ से ही भी मिल जाए आपको, इसकी एक पत्ते अगर मिल जाए तो इसे आप ला करके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। साइड साइड से इसके बेबी प्लांट बनते हैं, तो इसको बस पत्ती को ला करके मिट्टी पर रख देंगे तो वहाँ से देखेंगे कुछ दिनों बाद बेबी प्लांट अपने आप ही ये बन गए। अगर छोटी सी कटिंग्स पत्ते की भी मिल जाए, हाफ लीव्स भी मिल जाए, तो भी इसे आप ढेरों सारे बेबी प्लांट बना सकते हैं अपने घर में, क्योंकि इसके बगल साइड से ढेरों सारे बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, तो इसे आप तैयार कर सकते हैं एक पत्ते से। और तीसरे नंबर पर दोस्तों ये है लेपर्ड लिली। ये भी सिंगल लीफ से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये एक बल्बस वाला प्लांट है और इनडोर प्लांट है ये। इसके लीव्स काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। अगर सिंगल लीव्स भी इसकी आपको अगर मिल जाए कहीं से, तो ला करके आप बिना देरी किए हुए इसे आप लगा सकते हैं दोस्तों। जैसे इसकी लीव्स यहाँ से ऐसे तोड़नी है, कट करनी है, और सिंपल ऐसे इसको सॉइल में लगा देना है दोस्तों। चाहे तो आप सैंड में भी लगा सकते हैं या मिट्टी में भी, बहुत आसानी से लग जाती है। तो मैंने मिट्टी में ही इसकी जो पत्तियाँ थी दोस्तों, इसको मैंने लगा दिया था और निकाल करके आप सबको दिखाते हैं। ये अभी मैंने 2-4 दिन पहले इसकी पत्ती को लगाई थी, लेकिन इतने जल्दी इसमें भी जड़ें नहीं बनती हैं, 3-4 महीने का टाइम लग जाता है। ये भी मैंने जुलाई में ही इसकी पत्ती को लगाया था दोस्तों, और इसमें अब बहुत अच्छे से जड़ें बन गई हैं। तो इसके लीव्स को मैं निकाल करके दिखाती हूँ आप सबको। पत्तों से भी बहुत आसानी से लग जाता है, देख सकते हैं इसमें जड़ें कितनी अच्छी बन गई है। और इसे आप सिंगल लीफ से प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये भी नर्सरी में महंगा मिलने वाला पौधा होता है दोस्तों, और ये बल्बस प्लांट भी होता है। इसे ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती, जब इसकी मिट्टी ड्राई लगे तभी इसमें आप पानी डालें, नहीं तो बल्ब वाले प्लांट होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं। और देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें जड़ें बनी हैं। तो सिंगल पत्ती से इसे आप लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से, कहीं भी मिले चोरी करके लाए या
कहीं से दिखे तो आप फटाफट बिना देरी किए एक पत्ता ला करके अपने गार्डन में ज़रूर लगा लीजिए। उसके बाद दोस्तों ये है अजूबा का प्लांट, इसमें विंटर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी होती है और ग्रीनरी भी ऐड करती है। अगर आप इसमें फ्लावर नहीं आते तो भी ये काफ़ी खूबसूरत लगती है इसकी पत्तियाँ, और बगल साइड से इसमें ढेरों सारे बेबी प्लांट ऐसे बनते हैं, तो इसे भी आप सिंगल पत्ते से ग्रो कर सकते हैं। बस इसकी पत्तियाँ तोड़ कर लानी है, आप मिट्टी पर रख देंगे, वहाँ से देखेंगे कुछ दिन बाद बेबी प्लांट्स ढेरों सारे बने हैं। उसके बाद दोस्तों ये है सेंसिवेरिया स्नेक प्लांट, ये भी सिंगल पत्तियों से ही लगाया जाता है। इसे चाहे आप पानी में लगा सकते हैं या मिट्टी में या सैंड में, तीनों तरह से इसकी पत्तियाँ आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। लीफ से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, इसमें आपको हाइब्रिड और देसी दो वेराइटीज़ मिलेगी, तो दोनों आप बहुत ही आसानी से लीफ से प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये भी नर्सरी में महंगा मिलने वाला पौधा होता है, जो ये ड्रॉफ वाले वेराइटी होते हैं छोटे पत्तियों वाले, ये नर्सरी में 150-200 के प्राइस में मिलते हैं दोस्तों। तो अगर आपको कहीं भी इसके पत्ते मिले तो हाफ पत्ता भी, अगर आधा पत्ता भी आप ला करके लगा देंगे तो भी आपको बेबी प्लांट बन जाएंगे, तो भी आपको एक महंगा प्लांट फ्री में ही मिल जाएगा। फ्री में इसको ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में, कहीं भी दिखे तो फटाफट इसकी भी पत्तियां ला करके लगा लीजिए दोस्तों। उसके बाद ये है दोस्तों एलोवेरा का प्लांट, ये भी सिंगल लीफ से प्रोपोगेट हो जाता है। नीचे से इसकी लीव्स को आप तोड़ करके मिट्टी में या सैंड में ऐसे लगा देंगे तो वहाँ से भी ये बेबी प्लांट बन जाते हैं। बहुत ही आसानी से ये बेबी प्लांट बनाते हैं और इसे भी आप पत्ती से ग्रो कर सकते हैं। और ये सूफ प्लांट भी होता है और एक मेडिसिनल प्लांट भी है और फर्टिलाइज़र का भी काम करता है ये प्लांट, तो इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। इसका फर्टिलाइज़र बना करके आप अपने सभी प्लांट्स में डाल सकते हैं, और रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है। जब कटिंग्स लगानी हो तो इसके जेल में डिप करके कटिंग्स लगाइए, तो आपकी कटिंग्स बहुत अच्छे से लगेगी, कटिंग ख़राब नहीं होगी, आपकी कटिंग्स 100% लग जाएगी। तो आप एलोवेरा को ज़रूर लगाइए अपने गार्डन में, ऐड करिए, ढेरों सारे बेबी प्लांट भी देता है और लीफ से भी ये बहुत आसानी से लग भी जाता है। तो फटाफट बिना देरी किए हुए लाइए और लगाइए। उसके बाद दोस्तों पोथोस, पोथोस में कोई भी वेराइटीज़ पोथोस हो, ये भी सिंगल लीफ से प्रोपोगेट हो जाता है। पत्तियों के नीचे से एरियल रूट्स बने रहते हैं, तो उसके बगल बगल साइड से कट करके आप एक पत्तियों का नोड लेकर के कट करना है दोस्तों, जहाँ से एरियल रूट्स यहाँ से बने हैं देखिए, तो वहाँ से कट करना है और ला करके आप मिट्टी में लगा देंगे तो बहुत ही आसानी से ये प्लांट तैयार हो जाता है। ये भी महंगा वाला मिलने वाला प्लांट होता है, जो नियोन पोथोज होते हैं, मार्बल क्वीन होते हैं, ये सारे महंगे मिलने वाले प्लांट हैं, तो इसे भी आप फ्री में ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। कहीं भी दिखे तो फटाफट बिना देरी किए हुए इसकी आप कटिंग्स ला करके छोटी छोटी कटिंग्स से भी आप इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं, सिंगल लीफ से बहुत आसानी से लग जाती है ये। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर दोस्तों ये है पान का प्लांट, ये भी मनी प्लांट की तरह ही ग्रो किया जाता है, जैसे मनी प्लांट सिंगल लीफ से प्रोपोगेट किया जाता है बिल्कुल उसी तरह ये भी सिंगल लीफ से ही लगाया जाता है, जैसे मनी प्लांट होता है बिल्कुल उसी तरह से। पत्तियों के नीचे से इसके एरियल रूट्स बने रहते हैं, तो वहाँ से दोनों साइड से कट करके आप ला करके मिट्टी में लगा देंगे तो आपको ये प्लांट फ्री में मिल जाएगा दोस्तों। ये भी नर्सरी में महंगा मिलने वाला प्लांट होता है, तो इसे भी आप फ्री में अपने घर में तैयार कर सकते हैं सिंगल लीफ से। तो फटाफट बिना देरी किए हुए इसकी भी कटिंग्स ला करके आप लगा लीजिए। उसके बाद ये है मदर ऑफ थाउजेंड, इसमें हज़ारों की संख्या में आपको फ्री में प्लांट मिल जाएंगे। हर पत्तियों पर हज़ारों की संख्या में बेबी प्लांट लगे रहते हैं, तो वहाँ से आप इसके बेबी प्लांट को निकाल करके अगर मिट्टी में डाल देंगे तो ढेरों सारे आपको प्लांट फ्री में ही मिल जाएंगे। ये भी सिंगल लीफ से ही प्रोपोगेट होता है। यहाँ देखिए दोस्तों बगल बगल साइड से ढेरों सारे बेबी प्लांट से बन रहा है, तो इसमें से आपको ढेरों सारे बेबी प्लांट फ्री में ही मिल जाएंगे। कहीं भी दिखे तो इसके बेबी प्लांट को ला करके आप लगा ले सकते हैं या पत्तियां ला करके लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये है फ्लावरिंग प्लांट, विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है ये कलांचो, इसे भी सिंगल लीफ से प्रोपोगेट किया जा सकता है दोस्तों। चाहे हाइब्रिड हो या देसी हो, दोनों वेराइटीज़ सिंगल लीफ से बहुत ही आसानी से प्रोपोगेट हो जाते हैं। इसे जब भी अगर इसकी पत्तियाँ लगाए दोस्तों तो सैंड में लगाइए, या इसकी कटिंग्स लगा रहे हैं तो सैंड में लगाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कभी भी आपका ये लीफ से प्रोपोगेट किया हुआ प्लांट ख़राब नहीं होगा। यहाँ देखिए दोस्तों ये लीफ से ही प्रोपोगेट हुआ था, मैंने सारे लीफ्स उसमें रखे थे, बहुत आसानी से लीफ से भी बेबी प्लांट बन गए हैं। तो इसे आप पत्तियों से ज़रूर ग्रो करिए दोस्तों, अगर कहीं भी दिखे तो फटाफट इसकी लीव्स ला करके आप लगा लीजिए।
और ये भी नर्सरी में महंगा मिलने वाला पौधा होता है। उसके बाद दोस्तों ये है ट्रेंगल हार्ट, ये हैंगिंग बास्केट में लगने वाला प्लांट होता है। ये सकुलेंट वेराइटी की प्लांट है, इसको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती, इसे भी सिंगल लीफ से प्रोपोगेट किया जा सकता है। अगर इसकी पत्ती किसी गमले में झड़ कर गिर जाती है तो वहाँ से ये जड़ें बन जाती है और वहाँ से बेबी प्लांट बनना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो ये भी सिंगल लीफ से प्रोपोगेट कर सकते हैं आप, और कटिंग से तो जैसे पूछो मत, अगर इसकी कटिंग्स मिट्टी पर गिर गई तो वहाँ से बहुत जल्दी लग जाती है। इसमें एरियल रूट्स बने रहते हैं तो आप कटिंग्स बहुत बनने में बहुत आसानी रहती है। उसके बाद दोस्तों ये है जेड प्लांट, लकी प्लांट, ये भी आप सिंगल लीफ से प्रोपोगेट कर सकते हैं। बस इसमें जड़ें बनने में थोड़ी लेट होती है, जड़ें जल्दी नहीं बनती हैं, तो इसे आप सिंगल लीफ से प्रोपोगेट कर सकते हैं आसानी से। और ये भी लकी प्लांट होता है, सुप प्लांट होता है, और इसकी लीव्स काफ़ी खूबसूरत लगती है, मोटी मोटी छोटी छोटी इसकी टोपियारी काफ़ी खूबसूरत लगती है, बोनसाई भी खूबसूरत लगती है। कोई भी शेप आप बना सकते हैं, कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाती है, लेकिन सिंगल लीव से भी आप इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। कुछ पौधे आपको पता नहीं होता है कि कौन से पत्ते से ग्रो किया जाता है कौन से नहीं, तो आज मैंने आप सबसे शेयर किया है दोस्तों। ये सारे प्लांट अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो आप पत्ते से ला करके इन्हें ग्रो कर सकते हैं फटाफट, बिना देरी के ही ला करके इन्हें लगाइए और मज़े लीजिए। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँच सके। तो ये सारे पौधों की कटिंग्स या लीव्स दोनों तरह से आप इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। कहीं भी अगर आपको ये प्लांट दिखे तो चोरी करके या मांग करके या कैसे भी ला करके इन्हें पत्तियों से आप लगा सकते हैं। अब महंगे प्लांट आप फ्री में ही तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग, राधे राधे।